नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे यह पता लग जाता है कि आप कहीं ज़्यादा चीनी का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं तो उसके आपको कहीं नुकसान हो सकते हैं। जीवन में मिठास का होना ज़रूरी है, यानी कि मीठा खाना सभी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी चीनी सेहत के लिए नुकसानदायक ही होती है। ऐसे में चीनी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आप चीनी का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लक्षणों से आप यह जान सकते हैं कि कहीं आप ज़्यादा मात्रा में चीनी तो नहीं ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं चीनी ज़्यादा सेवन करने से कौन से लक्षण का पता चलता है। अगर आपको भी दिखाई दे तो तुरंत चीनी कम करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, यह संकेत बताते हैं कि आप डाइट में ज़्यादा चीनी ले रहे हैं। पहला है स्किन प्रॉब्लम्स की समस्या। चीनी त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है, जिससे स्किन पर कील, मुहासे और स्किन से संबंधित अन्य समस्याएं होने लगती है। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम हमेशा परेशान करती रहती है तो एक बार अपने शुगर इंटेक की तरफ भी देख लेना चाहिए। दूसरा है बार बार प्यास लगना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चीनी ले रहे हैं और इंसुलिन की कमी हो गई है तो डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे आपको बार बार में प्यास लगना लगती है और आप खुद को डिहाइड्रेट महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तीसरा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना। ज़्यादा शुगर लेने से आपके हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाती है, जिसके चलते आप मूड स्विंग और घबराहट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाइट शुगर ज़्यादा लेने से आप अपनी इमोशन और अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। चौथा है फ्रेंड्स, हमेशा आलस महसूस करना। अगर आप को हमेशा थकावट महसूस होने लगती है तो और आप छोटे मोटे काम करने में भी आलसपन महसूस करने लगते हैं तो यह इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि आप अपने आहार में चीनी की ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं। क्योंकि हाई शुगर डाइट चाहिए हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा होने से शरीर में हर समय आलस की छाए रहती है। पांचवा है फ्रेंड, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं। ज़्यादातर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नमक से जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन कम लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि शुगर से भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए नमक के साथ साथ चीनी भी कंट्रोल करना जरूरी है। छठा है फ्रेंड्स, अचानक से वजन बढ़ना। अगर आप लोग फैट डाइट ले रहे हैं और फिर भी आपका वजन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका वजन अचानक से तेजी से के साथ बढ़ने लगा है, तो इसकी वजह चीनी हो सकती है। सातवा है फ्रेंड्स, बॉडी की कमजोरी, इम्यूनिटी। अगर आप बार बार बीमार पड़ने लगे हैं, सर्दी जुकाम आपको बार बार होने लगी है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन कर रहे हो। शुगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को हानि पहुंचाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स ही बीमारियों के बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं, जिससे ऐसे में ज़्यादा चीनी लेने से आप निश्चित रूप से बीमार ही पड़ेंगे। आठवां है फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई स्वीट डिश प्रस्तुत हो जाए और जिसे देखकर आपके मुंह में तुरंत पानी आ जाए और आप इसे खाने से खुद को रोक न पाए, तो शायद आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है और अपने डाइट चार्ट में बदलाव करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि यह लक्षण बताते हैं कि आप चीनी के ज़्यादा एडिक्ट हैं हो गए हैं और अपने कि आप चीनी ज़्यादा खाते हैं और आप अपनी डाइट में ज़्यादा शुगर भी ले रहे हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यह थे ज़्यादा चीनी खाने के लक्षण। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।